हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 12 ग्रामीण विकास एवं रोजगार पर। आपके अक्सर एक कमेंट मुझे पढ़ने के लिए मिलते हैं कि छत्तीसगढ़ की योजनाओं से संबंधित कौन सी मैगजीन या कौन सा बुक या कोई सोर्स हो तो बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ की योजनाओं को पढ़ने के लिए आपको कहीं बाहर से मैगजीन या कोई अन्य सोर्स की जरूरत नहीं है। जो आपके छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 का आपके पास पीडीएफ होगा, उस पीडीएफ में जो आज से हम टॉपिक चालू कर रहे हैं, जैसे अध्याय 12 के बाद के जितने भी चैप्टर है उसमें आपको छत्तीसगढ़ की योजनाएं मिल जाएगी। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण विकास एवं रोजगार, तो इसमें देखिए आज कौन कौन से टॉपिक है। मनरेगा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, RCT क्या है, ये सारी की सारी आपकी योजनाएं हैं। तो इसके बाद आपका टॉपिक है नगरीय वाला, नगरीय के बाद है सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो ये शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित आपको केवल योजनाएं ही पढ़नी है। तो छत्तीसगढ़ की योजनाओं के लिए आपको कहीं से कोई बाहर से सोर्स लेने की जरूरत नहीं है। हम अब जो भी आपका इकोनॉमिक सर्वे में पहले जितने भी चीज़ें पढ़े वो सभी आंकड़ों पर आधारित थे। अब इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे वो सभी के सभी आपकी योजनाओं पर ही बेस्ड होंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम चालू करते हैं, अध्याय 12 ग्रामीण विकास एवं रोजगार। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है मनरेगा। मनरेगा जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इसे प्रारंभ किया गया था भारत में 2 फरवरी 2006 को इस योजना को प्रारंभ किया गया था। प्रारंभिक तौर पर इस योजना का नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। यानी 2 फरवरी 2006 को भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से इसे प्रारंभ किया गया था। अखिल भारतीय स्तर पर इसे एक पायलट प्रोजेक्ट की तरीके से भारत के कुल 200 जिलों में इसे प्रारंभ किया गया था, इस योजना को लाया गया था। सबसे पहला आपका आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिले में इसे योजना को प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 2 फरवरी को ही भारत के लगभग 200 जिलों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। 2 फरवरी 2006 को जब आपका ये योजना लाया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, तब उसमें जो 200 जिले थे उन 200 जिलों में से हमारे छत्तीसगढ़ के 11 जिले शामिल थे, इसे याद रखिएगा। 2 फरवरी 2006 को जब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना लाया गया उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 11 जिले शामिल थे। अखिल भारतीय स्तर पर कितने जिले शामिल थे? 200 जिले। उन 200 जिलों में से हमारे छत्तीसगढ़ के 11 जिले शामिल थे। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2007 को इस योजना का विस्तार किया गया, ठीक है। 1 अप्रैल 2007 को इस योजना का विस्तार किया गया तथा इसमें 135 अन्य जिलों को भी शामिल किया गया। उन 135 जिलों में से छत्तीसगढ़ के 4 जिले भी शामिल थे। 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों के साथ यह योजना लाया गया था। 1 अप्रैल 2007 को 135 और जिले इसमें ऐड किए गए इस योजना में, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिले शामिल थे। उसके बाद 1 अप्रैल 2008 को इस योजना को अखिल भारतीय स्तर पर लागू कर दिया गया और छत्तीसगढ़ के समस्त जिले इस योजना के अंतर्गत शामिल हो गए। देखिए, डेट याद रखिएगा, योजना कब आया? 2 फरवरी 2006 को, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट, ये 2 फरवरी 2006 को आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से यह लाया गया था। इसका नाम परिवर्तित किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी नरेगा का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कर दिया गया था। इस डेट को भी याद रखिएगा। देखिए, डेट याद करने में ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगा, लाइन से है। सबसे पहले है आपका 2006, 2007, 2008 और फिर है आपका 2009। 2 फरवरी 2006 को यह योजना लाया गया। फिर उसके बाद देखिए, कोई भी योजना में कुछ भी आपको ऐड करना है या कोई नई स्कीम उस योजना में अटैच करने होता है तो उसके लिए आपका वित्तीय वर्ष पे का वो चीज़ लागू होता है। जैसे वित्तीय वर्ष का डेट रहता है आपका 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, 31 मार्च को एंड होता है। तो देखिए, 1 अप्रैल, ये भी 1 अप्रैल, ठीक है। तो आपको डेट याद करने में परेशानी नहीं होगा। 2 फरवरी 2006 को नरेगा मीन्स राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना भारत में लाया गया। 1 अप्रैल 2007 को इसमें 135 अन्य जिलों को शामिल किया गया। 1 अप्रैल 2008 को यह अखिल भारतीय स्तर पर लागू हो गया। 2 अक्टूबर 2009 को इस नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा मीन्स महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया, ठीक है। इतना याद रखिएगा, 11 जिले कौन से थे, 4 जिले कौन से थे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट केवल ये आंकड़े हैं, इन्हें याद रखिएगा, स्पेशली 11 जिलों वाले का। देखिए, इस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उस पर हम वन बाय वन चर्चा करते हैं। देखिए,
ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए जिस जिस चीज को मैंने मार्क किया है उसे अच्छे से देखिएगा। ये जो आपका मनरेगा वाला चीज जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए भी प्री में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। मेंस में यदि आपसे गरीबी उन्मूलन से संबंधित या ग्रामीण विकास से संबंधित यदि आपसे किसी भी प्रकार का कोई निबंध लिखने के लिए आता है तो आपके लिए यही सब योजना ही आपके लिए काम आएगी। तो जितने चीजें बता रहा हूँ उसे भी समझते चलिएगा और जिसे मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ग्रामीण क्षेत्र के परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। पहले इतना देखिए, यानी ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए लाया गया है ये योजना, ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए। इसमें यह योजना किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यह योजना पूरे के पूरे परिवार के लिए है, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए मनरेगा के अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, ये आप सभी को भी पता होगा। लेकिन ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है, परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यानी इसमें किसी एक व्यक्ति को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, एक परिवार को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मान लीजिए एक परिवार में 3 लोग हैं, उन 3 लोगों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यानी मान लीजिए पहला सदस्य इस हर परिवार का एक जॉब कार्ड होता है, उस जॉब कार्ड के आधार पर ही उनका ये जो क्या है डे काउंट होता है। देखिए मैं आपको मनरेगा का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, हम ज़्यादा डीप लेवल पर जाकर पढ़ेंगे नहीं। जैसे अभी कुछ समय पहले आपका एक एग्जाम हुआ था ADO का, उसमें क्या है मनरेगा से बहुत डीप में जाकर के पढ़ना था। यदि मैं आपको मनरेगा को डीप में पढ़ाऊँ तो ऐसा ऐसा 2 बोर्ड भर जाएगा, तो हम उतना डीप लेवल पर जाएंगे नहीं। हम केवल बेसिक चीजें पढ़ेंगे जो CGPSC प्री के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे एक परिवार में 3 सदस्य हैं, तो वो 3 सदस्य परिवार को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो मान लीजिए एक सदस्य जो आपका इसमें कार्य करने के लिए गया 30 दिन, दूसरा सदस्य गया 40 दिन, तीसरा सदस्य गया 30 दिन, तो तीनों को यदि काउंट करेंगे तो कितना होगा 100 दिन। तो एक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा ये जो योजना है यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, पहला चीज तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, दूसरा परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, इसे याद रखिएगा, ठीक। तथा स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन किया जाएगा। स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन मतलब देखिए सरकार रोजगार दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि गड्ढा खोद करके मट्टी निकालो और दोबारा उस गड्ढे को मट्टी से भर दो और अपना पैसा लेकर के चले जाओ, ऐसा नहीं है। इस योजना के अंतर्गत स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, यानी जैसे आपका धर्मशाला हो गया, विश्राम गृह हो गया, कुआं खोदना हो गया, या आपका कोई जैसे ग्राम पंचायत भवन हो गया, तो ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण, स्थायी परिसंपत्ति जो कि यूजफुल हो, वो परिसंपत्ति काफ़ी लंबे समय तक आपके उपयोग में आए, तो स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन किया जाएगा। ये सारे लाइन इंपॉर्टेंट है, सभी लाइन को ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। यदि आपसे इससे प्रश्न पूछा तो या तो कोई भी एक सिंपल एक प्रश्न पूछ के 5 ऑप्शन दे देगा, या तो कूट आधारित 3-4 स्टेटमेंट देकर के आपसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है पूछ सकता है। ये स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन, देखिए हमारे भारत का एक काला सच यह भी है कि जब भारत में गरीबी अपने चरम स्तर पर था तो उस समय लोगों को रोजगार के नाम पर हकीकत में गड्ढा खोद करके मट्टी निकाल करके दोबारा गड्ढा भर करके भरने का उनके एवज में उन्हें पैसा दिया जाता था। तो इसीलिए ऐसा है, ये फैक्ट एक्चुअली में है, यदि आप नेट पर सर्च करेंगे तो मिलेगा, ये ऐसा हुआ है हमारे इंडिया में। तो वही मैं बोल रहा हूँ, इसमें क्या दिया गया है, स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन किया जाएगा, ठीक। जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है ये पहली बात, तो ये केंद्र सरकार की योजना है, तो केंद्र सरकार ने क्या लिखा है इस अधिनियम में, ग्रामीण क्षेत्र के परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा तथा स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन किया जाएगा, ठीक। तो क्या है इसमें 100 दिवस का रोजगार। इसके अलावा इसमें एक और है कि कोई भी राज्य सरकार, योजना किसकी है, केंद्र सरकार की, लेकिन कोई भी राज्य सरकार इस 100 दिवस के अतिरिक्त दिवस को बढ़ा सकता है, लेकिन उस बढ़ाए गए अतिरिक्त दिवस के एवज में जो भी व्यय होगा उसका वहन राज्य सरकार करेगी। यानी केंद्र सरकार केवल 100 दिवस का ही पैसा देगी, उसके अतिरिक्त यदि कोई भी एक्स्ट्रा दिवस राज्य सरकार बढ़ाती है तो उसके एवज का पैसा राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। देखिए
हमारे छत्तीसगढ़ में वर्ष 2013-14 से आपका ये जो है इस 100 दिवस के रोजगार को 150 दिवस कर दिया गया, यानी 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है, यानी कितना बढ़ा, 50 दिन। तो 100 दिन का जो पैसा है वो देगी आपकी केंद्र सरकार, और जो अतिरिक्त 50 दिन है उसका पैसा या उसके व्यय का वहन करेगी आपकी राज्य सरकार। तो ये इसे भी याद रखिएगा, वित्तीय वर्ष 2013-14 से आपका 50 दिन का अतिरिक्त जो आपका दिवस रोजगार है वो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार उपलब्ध करा रही है, लेकिन केंद्र सरकार में कितना है, 100 दिन का। अब देखिए मजदूरी दर, वर्तमान में मजदूरी दर है आपका 172 रुपये प्रति दिवस, यानी एक दिन कार्य करने का 172 रुपये दिया जाएगा भारत सरकार द्वारा निर्धारित। ये जो आपका 172 रुपये है ये भारत सरकार द्वारा निर्धारित है, याद रखिएगा। मनरेगा में जो आपका मजदूरी दर है उसे राज्य सरकार निर्धारित नहीं करती है, उसे केंद्र सरकार निर्धारित करती है, ठीक। भले 172 रुपये जो अतिरिक्त 50 दिवस है उसका 172 रुपये आपकी छत्तीसगढ़ सरकार देगी, लेकिन ये जो कितना रेट दिया जाएगा वो डिसाइड करती है आपकी भारत सरकार। नेक्स्ट, मजदूरी एवं सामग्री राशि व्यय, मजदूरी एवं सामग्री राशि व्यय का अनुपात है 60:40। ये क्या है, देखिए ये तो है आपका मजदूरी दर 172 रुपये प्रदान किया जाएगा। हर साल केंद्र सरकार द्वारा बजट में मनरेगा के लिए कोई ना कोई धनराशि आवंटित की जाती है, वो कितनी धनराशि हम आगे पढ़ेंगे। तो उन धनराशि में से 60% हिस्सा ये मजदूरी दर में जाएगा, जबकि 40% हिस्सा आपका सामग्री में जाएगा। सामग्री मतलब मान लीजिए एक सड़क का निर्माण हो रहा है, डामरीकरण सड़क का निर्माण हो रहा है, तो केवल मजदूर लगा देने से सड़क नहीं बन जाएगा, उसके लिए डामर खरीदना पड़ेगा, सरकार को उसका ट्रांसपोर्टेशन, डामर को लाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, उसको रोलिंग करने के लिए रोलर लगेगा। तो ये सारी चीज़ों का जो है ये सामग्री के अंतर्गत काउंट होता है। मान लीजिए अगर सरकार ने 10 लाख रुपये की राशि आवंटित की है सड़क निर्माण के लिए, तो उसमें से 6 लाख रुपये मजदूरी दर के लिए आवंटित होगा, जबकि 4 लाख रुपये आपका वो सामग्री के लिए आवंटित होगा, ठीक है। तो ये अनुपात को भी याद रखिएगा, ये ऐसे टाइप का प्रश्न आपका एडीओ एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, बाकी कूट आधारित प्रश्न में भी ये बन सकता है, ठीक है। कितना, 60:40, मजदूरी दर कितना है, 172 रुपये प्रति दिवस। नेक्स्ट, इनमें किन्हें शामिल किया गया है या कौन पात्र होंगे, ग्रामीण परिवार के वयस्क अकुशल श्रमिक, याद रखिएगा कुशल श्रमिक नहीं, कुशल श्रमिकों के लिए अन्य कई योजनाएं चल रही है। ग्रामीण परिवार के अकुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, ठीक। ये जो ग्रामीण परिवार के, जो सभी ग्रामीण परिवार का एक जॉब कार्ड बना होता है, उस जॉब कार्ड के आधार पर ही इनको कार्य अलॉट किया जाता है। इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, मैंने जैसे आपको बताया, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल एक ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे। जैसे कोई ग्रामीण परिवार है वो आपका कार्य मांगने के लिए जाएगा, ग्राम पंचायत में जाएगा या कोई कार्यपालक अधिकारी होगा, उसके पास आपका अपना जॉब कार्ड लेके जाएगा और मांगेगा कि मुझे कार्य चाहिए। तो उसके कार्य के लिए वो जब आवेदन करेगा, तो आवेदन किए जाने के 15 दिन के भीतर उसे रोजगार मुहैया कराना आवश्यक है। जब उसने आवेदन किया कि मुझे जॉब चाहिए या कोई कार्य करना है मुझे या रोजगार चाहिए, तो उसके आवेदन करने के 15 दिन के भीतर रोजगार मुहैया कराना आवश्यक है। देखिए मान लीजिए, जैसे भी महीना कौन सा चल रहा है, नवंबर का महीना, आज मान लीजिए 1 नवंबर है, तो आज 1 नवंबर को एक ग्रामीण परिवार गया कि मुझे कोई रोजगार चाहिए, कोई कार्य करना है, तो आज उसने आवेदन किया तो वो 15 दिन तक वेट करेगा, यानी 15 नवंबर तक उसे कोई ना कोई रोजगार मिलना आवश्यक है। लेकिन बाई चांस उसे रोजगार नहीं मिला या कोई कार्य नहीं मिला, तो उसके लिए इसमें बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान है। देखिए 15 दिन बाद, यानी हमने क्या देखा था, 1 नवंबर, अब आ गया मान लीजिए 15 नवंबर, 15 नवंबर के बाद, अब देखिए प्रथम 30 दिन यानी 15 दिन बाद, एक नवंबर को कोई परिवार ने आवेदन किया, 15 नवंबर तक उसे कोई जॉब नहीं मिला, तो देखिए 15 दिन बाद प्रथम 30 दिवस जो भी आपका मजदूरी दर है उसका 1/4 हिस्सा उसे बेरोजगारी भत्ता के रूप में प्रदान किया जाएगा। 172 रुपये का 1/4 कितना होगा, 4 × 16, 4 × 3 = 12, 43 रुपये प्रति दिवस, 43 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से उसे
प्रथम 30 दिन बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कि हमने देखा 1 नवंबर को आवेदन किया, 15 नवंबर तक वो वेट करेगा। अब इस 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक उसे 43 रुपये प्रतिदिन यानी मजदूरी दर का 1/4 हिस्सा उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अब मान लीजिए 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर 30 दिन तक भी उसे रोजगार मुहैया नहीं कराया गया, तो अब 15 दिसंबर के बाद से यानी 30 दिवस के बाद यानी 15 दिसंबर के बाद से उसे जो मजदूरी दर है 172 रुपये प्रति दिवस, उसकी आधी राशि यानी 1/2 उसका आधा भाग बेरोजगारी भत्ता के रूप में प्रदान किया जाएगा। आधा भाग कितना होगा 172 रुपये का? 86 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसे याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मनरेगा से यदि प्रश्न पूछा गया तो कूट आधारित ऐसे बेसिक प्रश्न ये सभी को शामिल करने की संभावना है। ठीक है, तो इसे समझते चलिए। 15 दिन ग्रामीण परिवार के वयस्क अकुशल श्रमिक इनके अंतर्गत पात्र होंगे। उनके आवेदन करने के 15 दिन के भीतर उन्हें रोजगार मुहैया कराना आवश्यक है। यदि 15 दिन तक उसे रोजगार मुहैया नहीं कराया गया तो 15 दिन के बाद उसे अगले 30 दिन यानी प्रथम 30 दिन के लिए उसे जो निर्धारित मजदूरी दर है, निर्धारित मजदूरी दर का 1/4 भाग उसे बेरोजगारी भत्ता के रूप में प्रदान किया जाएगा। यदि 30 दिवस के बाद भी उसे रोजगार मुहैया नहीं कराया गया तो जो निर्धारित आपका मजदूरी दर है उसका 1/2 भाग उसे बेरोजगारी भत्ता के रूप में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए शिकायतों का निपटारा। जैसे कोई ग्रामीण परिवार है, उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है या उसे कार्य नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए शिकायतों के लिए जिला स्तर पर लोकायुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। जिला स्तर पर 17 लोकायुक्त नियुक्त किए जाएंगे, ये इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल है। शिकायतों के निपटारा के लिए जिला स्तर पर इसी अधिनियम के धारा 27 के अंतर्गत जिला स्तर पर 17 लोकपालों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को याद रखिएगा, सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है मनरेगा में। मनरेगा में और भी बहुत कुछ है, जैसे अतिरिक्त कार्य दिवस, जैसे वन पट्टाधिकार धारक जो परिवार है उन्हें 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और उस 150 दिवस का जो आपका व्यय है उसे केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके अलावा आपका प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो भी कार्यरत श्रमिक है उन्हें सामान्य क्षेत्रों में 90 दिन का अतिरिक्त रोजगार, पहाड़ी क्षेत्रों में 95 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ये थोड़ा डीप में जाकर के पूछा तो इसमें जा सकता है। जैसे मातृत्व अवकाश है, मातृत्व अवकाश के लिए भी आपका यदि कोई महिला एक वित्तीय वर्ष में 50 दिन का मतलब उसने कार्य किया है तो उसे मातृत्व अवकाश प्रदान दिया जाएगा और उस मातृत्व अवकाश के दौरान उसे 1 महीने का आपका जो मजदूरी दर है तो पूरे के पूरे 1 महीने का उसे भत्ता प्रदान कर दिया जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं तो जो वर्किंग प्लेस पे आपका बच्चों के लिए कुछ खेलने की व्यवस्था या ठहरने की व्यवस्था, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन हम उतने डीप लेवल पे नहीं जाएंगे। बट ये जो बेसिक चीज है इन बेसिक चीजों को आप पहले याद रखिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया सारे चीज जो एग्जांपल के साथ थोड़ा याद रखिए, आसानी से याद होगा। ठीक, अब देखिए ये मनरेगा से संबंधित ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, अब इससे संबंधित आंकड़ों को समझिए। वित्तीय वर्ष 2016-17 में सृजित मानव दिवस, मतलब छत्तीसगढ़ में जितने भी आपका इस मनरेगा के अंतर्गत पात्र ग्रामीण परिवार है उन ग्रामीण परिवारों को जो रोजगार दिया गया, जितने दिन का रोजगार दिया गया उसे काउंट हो रहा है। देखिए सृजित मानव दिवस यानी देखिए 885.95 लाख मानव दिवस सृजित किया गया, यानी 885.95 लाख दिनों का रोजगार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवारों को मुहैया कराया गया। ठीक है, लाभान्वित परिवार, ये जो सृजित मानव दिवस है छत्तीसगढ़ के 21.32 लाख परिवारों को ये 885.95 लाख मानव दिवस उपलब्ध कराया गया था। देखिए जैसे मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ में एक्स्ट्रा 50 दिन भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 90 दिन और 95 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, तो वो उसमें क्या है वो एक्स्ट्रा दिन वाले हैं। लेकिन कम से कम 100 दिन का रोजगार
1.72 लाख परिवारों को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। देखिए, हो सकता है कोई परिवार आपका 100 दिन कार्य ही ना किया हो, कोई परिवार 100 दिन कार्य किया है, कोई परिवार 100 दिन से ज़्यादा कार्य किया है। तो ये वो आंकड़े हैं जो मतलब केंद्र सरकार जो बोल रहा है 100 दिवस का रोजगार, तो छत्तीसगढ़ में कम से कम 1.72 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ठीक, देखिए ये दोनों याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये जो शुरू वाला जो मैंने रेड कलर से लिखा है और ये एंड वाला, इसे थोड़ा याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 885.95 लाख मानव दिवस सृजित हुए, जिसमें महिलाओं की भागीदारी थी आपकी 49%, यानी लगभग जितनी भी मतलब आपके पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है उसमें लगभग 49% महिलाओं की भागीदारी रही इसमें। अब देखिए, आपको ये दोनों आंकड़े याद रखने, क्यों? क्योंकि ये जो वित्तीय वर्ष 2017-18 वाला है ये आपके सितंबर तक का बस है। वित्तीय वर्ष जैसे मैंने आपको बताया, वित्तीय वर्ष कब से कब तक का रहता है? वित्तीय वर्ष रहता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, लेकिन ये आंकड़े अभी अधूरे हैं, ये सितंबर तक के हैं। आपसे पूछ सकता है, लेकिन मैं देखिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में सितंबर तक की स्थिति में 579.31 लाख, है ना, 579.31 लाख मानव दिवस सृजित हुए, ठीक है, जिसमें से जो लाभान्वित परिवार है 16.80 लाख परिवार को ये जो आपका सृजित मानव दिवस है उसका लाभ मिला। 100 दिन का रोजगार, लगभग 55,600 परिवार ऐसे थे जिन्हें कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया किया गया। महिलाओं की भागीदारी 51%, सितंबर 2017 तक की स्थिति में जो महिलाओं की भागीदारी रही इसमें वो 51% थी, ठीक है। सॉरी, तो ये सारे आंकड़े याद रखिएगा। सृजित मानव दिवस कुछ नहीं है, छत्तीसगढ़ में जितने भी ग्रामीण परिवार है उनके द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जो उन्हें रोजगार मुहैया कराया गया तो वो दिनों का जो कंप्लीट जो काउंटिंग है वो है आपका सृजित मानव दिवस, यानी 21.32 लाख परिवारों को 885 लाख दिवस का आपका रोजगार मुहैया कराया गया, जबकि सितंबर में आपका 579.31 लाख मानव दिवस सृजित हुए जिससे लाभान्वित परिवार थे आपके 16.80 लाख परिवार। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये रेड वाले को थोड़ा याद रखिएगा। महिलाओं की भागीदारी, मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में सितंबर तक की स्थिति में जो आपके सृजित मानव दिवस है उसमें महिलाओं की भागीदारी थी 51%, ठीक। अब देखिए, मनरेगा के अंतर्गत आवंटित राशि केंद्र सरकार, जैसे मैंने बताया ये योजना किसकी है, केंद्र सरकार, तो इसके लिए राशि कौन आवंटित करेगी, केंद्र सरकार आवंटित करेगी। तो मनरेगा के अंतर्गत जो आवंटित राशि है वित्तीय वर्ष 2017-18 यानी जो हम आर्थिक सर्वेक्षण अभी पढ़ रहे हैं वो वाला, और जैसे अभी इस साल का जो बजट आया, बजट 18-19, यानी ये जो बजट 18-19 में दोनों आंकड़े सेम है, इसको जो राशि आवंटित की गई पिछले साल और इस साल दोनों सेम है, जैसे 55,000 करोड़ वित्तीय वर्ष 2017-18 में मनरेगा के लिए केंद्र सरकार द्वारा 55,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी, जबकि इस साल के बजट में भी आपका बजट 2018-19 में मनरेगा के लिए आपका 55,000 करोड़ की राशि ही आवंटित की गई है, इस राशि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इस आंकड़ों को भी याद रखिएगा कि मनरेगा के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 55,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई और 18-19 में भी 55,000 करोड़ की ही राशि आवंटित की गई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। जी, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना दोनों के दोनों सेम कॉन्सेप्ट पर है। देखिए, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो प्रारंभ हुआ था आपका 25 दिसंबर 2000 को, 25 दिसंबर जो सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, 25 दिसंबर को आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ किया गया था। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो मेन उद्देश्य है ये है आपके ग्रामीण क्षेत्रों को 12 मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ना, 12 मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 12 मासी सड़क मतलब ऐसे सड़कों का निर्माण किया जाएगा जो 12 वर्ष मतलब 12 माह उसमें आवागमन रहे, जैसे क्या होता है कई सड़कों का निर्माण किया
जाता है, बीच में से नदियों के बीच में से उस सड़कों का निर्माण किया गया। बरसात के महीने में बाढ़ आ गया और बाढ़ उस सड़क के ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा है, ऐसा कंडीशन नहीं होता है। क्या होता है, इस योजना के अंतर्गत यदि सड़क का निर्माण कराया जा रहा है तो यदि बीच में आपका नदी या नाले या नहर कुछ आते हैं तो उसमें पुल बनाने की राशि या पुल बनाने की व्यवस्था भी इस योजना के अंतर्गत शामिल रहता है। तो इसीलिए इसमें अलग से मेंशन है कि 12 मासी सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को 12 मासी डामेरीकृत सड़कों से जोड़ा जाना, इस दोनों योजना का सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जहाँ प्रारंभ किया गया था आपका 25 दिसंबर सन 2000 को, इसके अंतर्गत देखिए इसमें दो आंकड़े हैं, इसे याद रखिएगा। सामान्य क्षेत्रों में यानी सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में जिन ग्रामीण क्षेत्र की आबादी 500 या उससे अधिक है, 500 या उससे अधिक है, या आदिवासी बहुल क्षेत्र या आईएपी जिले जहाँ की आबादी 250 या उससे अधिक है, उन्हें इस प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 12 मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ा जाएगा। ठीक, यानी अगर सामान्य ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की आबादी यदि 500 से कम है तो उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण वहाँ नहीं किया जाएगा, या आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ की आबादी यदि 250 से कम है तो उसे भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सामान्य क्षेत्रों के लिए 500 या उससे अधिक, आदिवासी बहुल क्षेत्र और आईएपी जिले क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान। देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, बस ये समझ लीजिए इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के अंतर्गत आपका आदिवासी बहुल क्षेत्र और पिछड़े हुए जिलों को शामिल किया जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर इसमें कुल 84 जिले शामिल है, छत्तीसगढ़ के 10 जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं। 10 जिले कौन कौन से वो मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन बताऊँगा नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हमको आगे थोड़ा अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले शामिल है उस पर भी हमें अभी चर्चा करना है। यदि मैं आपको दोनों जिलों के कौन कौन से जिले समझा बताने जाऊंगा तो आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये समझ लीजिए इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान मीन्स आईएपी जिले के अंतर्गत आपका आदिवासी बहुल क्षेत्र और पिछड़े हुए जिलों को शामिल किया जाता है। ठीक है, यदि केंद्र सरकार इन आदिवासी बहुल क्षेत्र और ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्रों से संबंधित कोई योजना बनाती है तो इसी आईएपी जिले को टारगेट करते हुए या इन क्षेत्रों की स्थिति के आधार पर ही कोई भी अपना बजट का निर्धारण, योजना का क्रियान्वयन सब इसी के आधार पर करती है। ठीक है, तो आईएपी जिले के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कुल 10 जिले शामिल हैं, इसे बस इतना याद रखिए। ठीक, देखिए 500 और 250 यानी सामान्य क्षेत्रों में 500 से कम हुआ तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा, 250 से कम हुआ यदि आदिवासी बहुल क्षेत्र तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा। तो जो ग्रामीण क्षेत्र आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं हो रहे थे या इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हो पा रहे थे उनके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ किया गया, इसलिए मैंने कहा था दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 23 अप्रैल 2011 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत सामान्य क्षेत्र जहाँ की आबादी 250 या उससे अधिक है, 250 या उससे अधिक है, ऐसे क्षेत्रों को इस मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 12 मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ा जाएगा। ठीक, देखिए इसमें सामान्य क्षेत्र दिया है लेकिन आदिवासी बहुल क्षेत्र नहीं दिया है, क्यों, देखिए वर्ष 2014 को 7 नक्सल प्रभावित जिलों का चयन किया गया केंद्र सरकार द्वारा, अखिल भारतीय स्तर पर और भी राज्यों के जिलों का भी चयन किया गया लेकिन छत्तीसगढ़ में स्पेशली आपका वर्ष 2014 को केंद्र सरकार ने 7 नक्सल प्रभावित जिलों का चयन किया। इन जिलों में यदि वहां की आबादी देखिए 100 या 249 के बीच में है ना, यानी 100 से अधिक होना चाहिए, इतना समझ लीजिए 100 से यदि अधिक है तो उन्हें इन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 12 मासिक डामरीकृत सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसीलिए यानी ओवरऑल आपके छत्तीसगढ़ के जो भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है वे सभी के सभी डामरीकृत सड़कों से इसमें जुड़ जा रहे हैं, इसलिए इनमें आपका आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसके अंतर्गत आपका सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में 500 या उससे अधिक की आबादी को 12 मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा, आदिवासी बहुल क्षेत्र और आईएपी जिले के अंतर्गत 250 या उससे अधिक की आबादी को 12 मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा,
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि 23 अप्रैल 2011 को यह योजना प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भी ग्राम इस योजना के लिए पात्र नहीं थे उन्हें इसके अंतर्गत शामिल किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसमें सामान्य ग्रामीण क्षेत्र जिनकी आबादी 250 या उससे अधिक है उन्हें 12 मासी सड़कों से जोड़ा गया। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसे प्रारंभ किया गया केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2013 को, 1 अप्रैल 2013 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था। एक्चुअली में यह योजना प्रारंभ किया नहीं गया, ये जो पहली से जो योजना चल रही थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसे पुनर्गठित करके 1 अप्रैल 2013 को इस योजना का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से प्रारंभ किया गया। ठीक, इस योजना को छत्तीसगढ़ में बिहान नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसे छत्तीसगढ़ में बिहान नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसे छत्तीसगढ़ में बिहान नाम से जाना जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार के अवसर का सृजन करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM, इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आपका स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। स्पेशली जैसे आपके जो स्व सहायता समूह है या जो कुछ आपका सहकारी समिति के अंतर्गत जो समूह बने होते हैं, ये स्पेशली समूहों को टारगेट करके उन्हें अनुदान या ऋण उपलब्ध कराती है। ये स्व सहायता समूह है या सहकारी समिति है तो उन्हें रोजगार के लिए ये अवसर उपलब्ध कराएगी, उन्हें कुछ अनुदान या कुछ ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। जैसे छोटे मोटे उद्योग, जैसे अगरबत्ती उद्योग है, आपका पापड़ उद्योग है, तो ऐसे के लिए क्या है, समूह बने रहते हैं। किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष को इसके अंतर्गत राशि आवंटित नहीं की जाएगी, इसके अंतर्गत समूहों को टारगेट करके उन्हें स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, वित्तीय पोषण, इसमें केंद्र और राज्य सरकार, इसके अंतर्गत जो भी राशि व्यय होती है या जो भी अनुदान या ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसका वित्तीय पोषण केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात 75:25 होता है, 75:25 इसका रेशियो है, इसे याद रखिएगा। यानी 75% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी और 25% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका आरसेटी, ये भी आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रारंभ की गई एक प्रशिक्षण संस्था है। आरसेटी जिसका फुल फॉर्म है रूलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मींस ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका का ही एक पार्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बीपीएल कार्ड धारी परिवार के युवक युवतियों को जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष है उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, ग्रामीण बीपीएल कार्डधारी परिवार के युवक युवतियों जिनकी उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य है उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रशिक्षण इसमें 10 से 45 दिवस, देखिए इसे याद रखिएगा, 10 से 45 दिवस तक की अल्प अवधि के लिए बाजार मांग के अनुरूप निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। याद रखिएगा, निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जैसे आप सिंपल एग्जांपल से समझिएगा इसे, कोई अभी जैसे जो बीपीएल कार्डधारी यदि कोई आपका परिवार है उसमें जो भी आपके 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग कोई भी युवक युवती है यदि, तो उन्हें बाजार मांग के आधार पर, जैसे अभी मार्केट में बाजार मांग में क्या है, सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन चल रहे हैं, मोबाइल्स चल रहे हैं, तो उन्हें बाजार मांग के आधार पर उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। यानी उन्हें मोबाइल रिपेयरिंग सिखाया जाएगा, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज रिपेयरिंग, ये सभी उन्हें आरसीटी संस्थाओं में, ये जो आरसीटी संस्था है ये केंद्र सरकार द्वारा जो लीडिंग बैंक है उनके माध्यम से ये संचालित होती है, तो इसमें उन्हें आवासीय प्रशिक्षण सुविधाएँ मुहैया कराई जाएगी। यानी आरसीटी संस्थाओं में उन्हें आपका फ्री में उन्हें आवासीय फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, उनका खाना रहने की व्यवस्था, उसके अलावा जो उनका जो जैसे मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं तो उन्हें मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो सारी की सारी चीजें उन्हें इन आरसीटी संस्थाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई, इसमें क्या है, प्रति प्रशिक्षणार्थी
वो 200 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से अधिकतम 9000 रुपये का प्रावधान है। इसका मतलब जैसे इसके अंतर्गत क्या है, बाजार मांग के आधार पर इन्हें रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जैसे समझ लीजिए आपका इनको पशुपालन सीखना है, कृषि पर आधारित ये कोई रोजगार सीख रहे हैं, है ना, डेयरी से संबंधित रोजगार सीख रहे हैं, तो ये क्या है इन संस्थाओं में पॉसिबल नहीं होता। इनके लिए क्या है, इन्हें किसी न किसी डेयरी फार्म में ले जाया जाएगा जहाँ पर इन डेयरी फार्म में रह करके ये कार्य करेंगे, यानी उत्पादकता वाले कार्य कर रहे हैं, तो उसके एवज में इन्हें पैसे भी मिलेंगे। इसका भी प्रावधान इस आरसीटी संस्था के अंतर्गत है। जैसे लिज्जत पापड़ी बन रहा है तो लिज्जत पापड़ के लिए ये गए पापड़ वाले, मतलब पापड़ वाला जो भी समूह है, स्व सहायता समूह जहाँ पे ये उद्योग कार्य चल रहा है, वहाँ पे गए और ये प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो यानी ये उत्पादकता वाले कार्य कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में 200 रुपये प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति दिवस के आधार पर इन्हें अधिकतम 9000 रुपये की राशि प्रदान किए जाने का भी प्रावधान इस आरसीटी संस्था के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसमें स्पेशली ग्रामीण बीपीएल कार्डधारी परिवार के युवक युवती जिनका आयु वर्ग 18 से 45 वर्ष है, जिन्हें अल्प अवधि यानी 10 से 45 दिवस तक के लिए अल्प अवधि के लिए बाजार मांग के अनुरूप निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक, ये यहाँ तक ख़त्म होता है आपकी योजनाएँ। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपका जनरल स्टडी का पोर्शन है। देखिए आर्थिक और सामाजिक न्याय के 29 कार्यों जो कि अनुसूची 11 में वर्णित है का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपके ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया था, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि आर्थिक और सामाजिक न्याय के 29 कार्य या 29 विषय जो कि अनुसूची 11 में वर्णित है का क्रियान्वयन पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है पंचायतों को कितने विषयों पर, है ना, कितने विषयों पर पंचायतों को जो कार्य करने का या उनके क्रियान्वयन का अनुमति संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है, तो 29 विषय या 29 कार्य जो कि अनुसूची 11 में वर्णित है, इसे याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए अनुसूचित क्षेत्र, पांचवी अनुसूची में वर्णित जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 13 पूर्ण जिले और 6 आंशिक जिलों को सम्मिलित किया गया है। देखिए इसी कारण है मैंने जो आपको आईएपी के अंतर्गत कौन से जिले सम्मिलित है वो नहीं बताया। अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 13 जिले शामिल है। इसमें आप ये 13 जिलों को थोड़ा स्पेशली याद कीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। कितने जिले, 13 जिले। देखिए 13 जिले कौन कौन से हैं, 5 संभाग, सबसे पहले आपका बस्तर संभाग, बस्तर संभाग से 3 जिले, उत्तर बस्तर, मध्य बस्तर, दक्षिण बस्तर। उत्तर बस्तर मतलब कांकेर, मध्य बस्तर मतलब आपका बस्तर, और दक्षिण बस्तर मतलब दंतेवाड़ा। ठीक, उसके बाद आता है आपका दुर्ग जिला, दुर्ग जिले के अंतर्गत आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव का आपका मोहला मानपुर वाला एरिया, और इधर बलौदा बाजार डोंडी वाला एरिया, कितना हो गया, 3 और 2 5। रायपुर संभाग के अंतर्गत एक आपका धमतरी जो कि सिहावा वाला एरिया, और गरियाबंद, जैसे आपको मालूम है कि फेमस है वो आपका कमार जनजाति के लिए, तो गरियाबंद और आपका धमतरी, कितना हो गया, 3 2 5 और 2 7। उसके ऊपर आता है आपका बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 3 जिले, एक तो आपका बिलासपुर मरवाही वाला एरिया, उसके बाद आता है आपका कोरबा, और उसके साइड में है आपका रायगढ़। ठीक है, तो ये हो गया 7 और 3 10। उसके ऊपर आता है आपका सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग के 3 जिले, एक है आपका कोरिया, दूसरा सरगुजा, तीसरा जशपुर। तो ये 13 के 13 जिले आपके इस अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत पूर्ण रूप से सम्मिलित है, इसे याद रखिएगा। जितने जिलों के नाम बताया उन जिलों का भी नाम याद रखिए, कौन कौन सा, एक है आपका कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बालोद, और आपका राजनांदगांव, गरियाबंद, धमतरी, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जसपुर, सरगुजा और कोरिया। ये 13 जिले आपके इस अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत पूर्ण रूप से शामिल है। ठीक है, तो जितना चीज़ बताया वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में अब जो भी चलेगा वो आपका योजनाओं से संबंधित चीज़ें ही चलेगी। किसी प्रकार का यदि आंकड़े से संबंधित डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए जो वित्तीय वर्ष 2017-18 वाला है ये सितंबर एंड तक की स्थिति में है, यानी वित्तीय वर्ष इसका कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आपको दोनों याद रखना है, वित्तीय वर्ष 2016-17 भी और वित्तीय वर्ष 2017-18 को भी। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।